Hello, good morning everybody. This is me, Rajesh Dikshit, mathematics teacher, and I am going to start a new chapter, that is a coordinate geometry or Nirdeshank Jyamiti, in which I am teaching all of them you about the just algebra. Now how can convert into the geometry and give the proper definition of the coordinate geometry. Last videos, that is the first and second chapters, is to be completed and should be posted on your YouTube channel. And third and fourth, that is the two variables and the quadratic equation. Two chapters are not to be posted on YouTube channel, and this is will be delivered by the SendGrid video. देखिए, दो चैप्टर जो थे वो हमने उस पर पोस्ट नहीं किए. मैं अगला नेक्स्ट चैप्टर लेके चलूँ. जैसा कि आपको ज्ञात है कि अभी इसके पहले जो था या उसके पहले जो था बहुपद था, बहुपद को इस समय हटा दिया गया है, बहुपद को हटा दिया गया है. तो बहुपद का हाफ चैप्टर कंप्लीटेड है और हाफ चैप्टर आपका यूट्यूब पर अभी नहीं हो पा रहा, हो पाया किसी कारण से, मैंने छोड़ दिया, थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं था. अब आपका एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है जिसको मैं आपको यूट्यूब चैनल पर लेकर चल रहा हूँ, ताकि आप यूट्यूब से कभी भी किसी भी समय निकाल करके स्टडी कर लें. आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ताकि आपको बहुत बेहतर प्रदर्शन कर सके, आप हमेशा आपके पास रहें. कोई भी हमारा नया यूट्यूब चैनल्स में अगर कोई भी वीडियो अपलोड की जाती है तो तुरंत आपको रिसीव हो जाए, यह आपको सुविधा होती है सब्सक्राइब करने. आइए टॉपिक पर हम चलते हैं. व्हाट इज दिस एंड हाउ कैन इट इज यूज. देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, दो रेखाएं होती हैं, आपको बोर्ड पर दिखाई दे रही हूं. इन रेखाओं में इस रेखा को एस अक्ष अक्ष बोलते हैं. और इसको आप दूसरे शब्द में हम लोग भुज भी बोलते हैं. इसको बोलते हैं हम लोग बाई, इसको एक्स बाई अक्ष कहते हैं, इसको कोटि के नाम से पुकारते हैं. इसको बाई डैश सेम है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा संख्या रेखा में, आपने देखा होगा संख्या रेखा आपने ऐसे पढ़ी होगी. ये आपका धनात्मक जीरो होता है, 1 2 3 4, ये धनात्मक मान वैल्यू होती है, ये ऋणात्मक होती है, -1 -2 -3. तो आपने देखा यहां संख्या रेखा पर धनात्मक ऋणात्मक दो वैल्यू होती है. आपको पता होगा जब भी किसी भी चीज का मान निकलता है, कोई भी चीज निकल के आती है, तो तीन वैल्यू आती है, एक धनात्मक आती है, दूसरी ऋणात्मक आती है, तीसरी जीरो आती है. ये आपको ज्ञात होगा बहुत अच्छी तरह से. तो ऐसी स्थिति में माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे धनात्मक वैल्यू के लिए आपको यहां कहते हैं इसको मूल बिंदु. नोटिस कर लीजिए, इस बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु. मूल बिंदु क्या कहलाता, वह बिंदु जहां पर धनात्मक एवं ऋणात्मक मानों का जीरो हो जाता है. तो इसे हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं. आपको जो दिखाई पड़ रहा है, तो हमने आपको बता दिया ऐसे स्थिति में मुझे एस की वैल्यू धनात्मक और ऋणात्मक शो करने की जरूरत है. 1 2 3 4 5 6 7 8. नाउ 1 -1 -2 -3 एंड -4, इस तरह से आप ले जा सकते हैं. जैसी लाइन होगी, जैसा आपके पास ग्राफ में कवरिंग होगी, आपको अंकित किया जा सकता है. उसी प्रकार से आप अगर देखेंगे तो बाई के ऊपर से इसको आप क्या करें, थोड़ा सा ऐसे घुमाएं, एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज माने घड़ी के दूसरे कदम ऐसे घुमाएंगे, इसको पकड़िए लाइन को, ऐसे कर दीजिए तो ऊपर धनात्मक आ जाएगा. 1 2 3 4 -1 -2 -3 -1. तो जब आप इस अक्ष को इस अक्ष के ऊपर लाएंगे तो ऊपर के मान धनात्मक आएंगे और नीचे के मान कैसे आ जाएंगे बेटा, ऋणात्मक आएंगे. तो ऐसे स्थिति में यह बिंदु मूल बिंदु कहलाता है. इसे कहते हैं हम मूल बिंदु. मूल बिंदु पर एक्स और वाई के मान दोनों जीरो होते हैं. अब आपका पता है, जैसे माय नेम इज, मैंने बताया कि राजेश दीक्षित. हमेशा किसी व्यक्ति का आप नाम पूछेंगे तो पहले उसका नाम आता है जो उसको एड्रेस करता, और दूसरा उसकी जाति बताता है, किस जाति का. माय डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार से निर्देशांक ज्यामिति में हमेशा एड्रेसिंग जो होती है वो एस कॉमा वाई होती है. पहले वाला अंक एस के मान को बताता है, दूसरे वाला अंक वाई के मान को बताता है. ये नोटिस कर लीजिए, काफी पढ़ा ये, पहले वाला अंक एस के मान को बताता है, दूसरे वाला अंक वाई के मान. तो जब दो खड़ी रेखाएं परस्पर बीच में 90 अंश का कोण बनाती हुई
किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद करने के पश्चात उन पर हम ग्राफीय निरूपण करते हैं बिंदु का, इसे हम आपको निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं, क्योंकि उस ज्यामिति को हमने निर्देशित किया गया, हमने बताया गया, और इसी चीज को निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं, जैसा कि मैं आपको इसमें बता रहा हूं। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया कि जब दोनों रेखाएं आपकी किसी 90 अंश पर प्रतिच्छेद करती हुई आपकी पड़ी उखड़ी, आपने कंप्यूटर का यूज किया होगा तो कंप्यूटर में इस चीज को कहते हैं आप लोग क्या कहते हैं, रो या पंक्ति कहते हैं, और खड़ी भी आप कहते हैं आप कॉलम, स्तंभ कहते हैं, खड़ी कोई भी हो जाए। अगर आपने देखे होंगे पिलर खड़ी की जाए तो उन्हें स्तंभ कहा जाता है, स्तंभ कॉलम। पिलर को बनाने की जो हमारा मशीन होती है, यानी कि वो लोहे का बना बॉक्स होता है, उसे कॉलम कहते हैं। तो उस चीज़ को, खड़ी चीज़ को कॉलम या हम स्तंभ कहते हैं, पड़ी चीज़ को रो या फिर हम क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट, हम लोग क्या कहते हैं पंक्ति कहते हैं। तो इसको आपको पंक्ति के रूप में भुजा और खड़ी कॉलम के रूप में भुजा जो आपको दिखाई पड़ रही है उसको हम लोग 3D या 3 आपकी निर्देशांक ज्यामिति या कोऑर्डिनेटिंग आपका कहते हैं। इसको हम लोग, आपको समझ में आ गया होगा निर्देशांक करने में, आपको ये समझ में आ गया किसी बिंदु को निर्देशांक करना क्या कहलाता है। आइए नंबर दूसरा होगा मूल बिंदु के बारे में आप जाओ, किसी बिंदु को निर्देशित करना। अगर इस पूरे कैंपस में अगर हम कोई भी बिंदु रख दें तो उस बिंदु का एक्स अक्ष की ओर और वाई अक्ष की ओर जो मान होगा, सपोज दैट यहां पर पूरा लिखा हुआ, यहां पर लिखता है आपका 3/4 या 3/3 चौथाई। लेकिन जबकि आप ऐसा बिंदु नहीं रखिए इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, हम आपसे चाहते हैं एक सिस्टमेटिक आप बिंदु रख लीजिए। अगर कोई बिंदु है वो 4 से आ रहा, कोई बिंदु है वो 5 पे आ रहा, इस बिंदु को कहा जाएगा 5.4 ना कि 4.5 कहा जाएगा, क्योंकि सबसे पहले नामांकन होगा उसमें एक्स का नाम आता है, उसके बाद आपका वाई आता है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें और विचार करें कि जब भी किसी भी बिंदु का नामांकन किया जाता है तो जिस तरह से आपका पहले नाम दूसरा जाति का नाम आता है, उसी प्रकार से इसमें पहले नाम आता है दूसरे उसकी जाति माने वाई का नाम आता है, पहला एक्स मान होता है दूसरा वाई का मान होता है। हम लोग त्रिभुज भुजाओं की दूरी, सपोज दैट क्या होता है जब भी किसी भी चीज़ के लिए भुजाओं की दूरी ज्ञात करना, अगर कोई बिंदु हमारा यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। अगर कोई भी बिंदु खींचे गए हैं तो इस बिंदु का मध्य क्या होगा। अगर कोई भी भुजा है, दो बिंदु दिए हैं, इस भुजा का एक्स वाई दिया है, इसको कहेंगे x1 y1, दूसरे कहेंगे x2 y2। इस बिंदु को अगर कोई 3:2 में विभाजित करे तो इस बिंदु की माप क्या होगी या बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। निर्देशांक माने निर्देशित करना, निर्देशित करना माने ऐसा बिंदु जिसका एक्स तथा वाई, ऐसा बिंदु जिसका एक्स तथा वाई दोनों मान में लिखना या बताना, उसे हम निर्देशांक कहते हैं, उस बिंदु का निर्देशांक कहते हैं या निर्देशित करना कहते हैं, जो कि आपको बोर्ड में दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे स्थिति में आपको क्या समझ में आ रहा कि हमारे बनाए हुए अक्षों पर हम निर्देशित करते हैं, समझाते हैं, विचार। ये टॉपिक आप समझ गए होंगे, इस टॉपिक को समझने के बाद फिर मैं आपको अगला टॉपिक लेके चलता हूँ, इसको क्या कहते हैं फिर मैं आपको दूसरा मैं आपको बता दूँ एक चीज और, चतुर्थांश क्या कहलाता है। जब कोई रेखा काटती है, जैसे मैं आपको बताऊँ एक कोई मेरे पास वस्तु थी, मैंने इस वस्तु को इस तरह से काट दिया, तो इसके बाद क्या कह रहा है, इसको काटने के बाद इसके कुछ हिस्से हो जाए। इससे मैं किस तरह से बताना चाहता हूँ थोड़ा सा मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। इसको अलग कर दिया मैंने थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा मैंने अलग कर दिया, यहाँ मैंने इसको अलग कर दिया, यहाँ मैंने इसको अलग कर दिया। आप देखें जब मैं किसी चीज वस्तु को काटता हूं तो उसके चार हिस्से बराबर आ जाते हैं, बीस से बारह, तो प्रत्येक हिस्से को चौथा हिस्सा कहते हैं, चौथा हिस्सा। अब माय डियर स्टूडेंट्स, इसके चतुर्थांश कैसे होते हैं, पूरा एक्स वाई के दो अक्ष, दोनों अक्ष आपस में एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। आप जी जाने मैथमेटिक्स में काटना शब्द नहीं आता, माय डियर काटना माने होता किसी एक वस्तु को काट के दूसरी वस्तु से पृथक कर देना, लेकिन इसमें पृथक नहीं किया जा सकता, इसमें काटना माने होता प्रतिच्छेद करना, एक से दूसरे ऊपर गुजर जाना, कटी जैसा दिखना लेकिन अलग ना होना, उसे हम प्रतिच्छेद कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट सुन रहे,
कटे जैसा दिखना लेकिन अलग ना होना, तो उसको हम कहते प्रतिच्छेद करना। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स की बुया, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में आप लोग जो इस्तेमाल करेंगे वह करेंगे प्रतिच्छेद। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहला है चतुर्थांश। चतुर्थांश कैसे कहलाता है माय डियर स्टूडेंट, यहां से प्रथम चतुर्थांश में प्रथम यहां कहलाता है द्वितीय, सेकंड दैट इज कॉल्ड द थर्ड, तृतीय एंड दिस वन इज कॉल्ड द फोर्थ। माय डियर स्टूडेंट, अगर हमने पहले बताया, अगर हम इससे आपसे कह दें कि आपको चिन्हों की परपाटी पर निरूपित करना है, चिन्हों को निरूपित करना, तो कैसे करेंगे माय डियर स्टूडेंट? यहां पे आप लिखेंगे पहले एक्स का मान कायम है, लिखिए प्लस एक्स, वाई का मान कायम है प्लस, ठीक है आप समझ रहे होंगे, कोई बड़ी बात नहीं, इसको निरूपित करना चाहते हैं। यहाँ एक्स का मान देखिए माइनस, वाई का मान देखिए प्लस एक्स, तो इसका साइन होता माइनस प्लस। यहाँ पे वही मान अंकित किए जाते हैं जिनका एक्स का मान माइनस हो द्वितीय चतुर्थांश में और वाई का मान प्लस हो। इसमें कौन से अंकित किए जाते हैं, जब एक्स और वाई दोनों के मान हमारे साथ प्लस। तृतीय चतुर्थांश एक्स का मान देखेंगे आप इस लाइन में देखते हैं माइनस, वाई का मान भी देखेंगे माइनस। अगर इस चतुर्थांश में जो तृतीय चतुर्थांश कहलाता है उसमें वही मान अंकित किए जाते हैं जिनके दोनों के मान आपके माइनस में। अब आ जाइए चतुर्थ चतुर्थांश, यहाँ पे एक्स का मान देखो प्लस, क्योंकि पहले आपको एक्स का मान लिखना, वाई का मान माइनस में। इसमें वो मान आते हैं जिनके एक्स का मान प्लस हो और वाई का मान माइनस हो। आपको चतुर्थांश प्रथम चतुर्थांश से अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि चिन्ह क्या होते हैं प्लस प्लस, जब भी हम किसी भी चीज के बारे में बात करते हैं, अगर हम बात करेंगे आपने ग्राफ देखा होगा, ग्राफ माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि यह चीज ग्राफ पर मेल नहीं होता है, ग्राफ में देखा होगा आपने लाइनें बहुत सारी होती हैं, आपने ऐसी बहुत सारी लाइनें होती हैं, ये आपकी बड़ी बड़ी लाइन है, उस बड़ी बड़ी लाइन के बीच में आपके 10-10 कॉलम की छोटी छोटी लाइन होती है, एक खंड देंगे तो एक खंड में ऐसा होता है, इसमें एक मोटी लाइन होगी, बहुत छोटी छोटी लाइन होगी, 10 होगा, मतलब एक कॉलम जो होता है वह 1x1 सेंटीमीटर का होता है, और बारीक लाइन जो आपको दिखाई पड़े वो 1 मिलीमीटर की लाइन होती है, नोटिस कर लीजिए वो लाइन कैसी होगी 1 मिलीमीटर, वो बहुत छोटी बारीक लाइन कहलाती है। तो ऐसे स्थिति में माय डियर स्टूडेंट जो मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी आप निर्देशांक ज्यामिति का काम करेंगे तो आपकी लाइन बिल्कुल मध्य में आएगी, और अनंत को शो करने वाले या द्योतक करने वाले हमारे जो एरो हैं एरो जरूर लगाते, क्योंकि यह रेखा बताती है यह अनंत तक जाएगी, एक्स में अनंत तक जाएगी, यहाँ एक्स भी अनंत तक जाएगा माइनस वाला, एक्स ऊपर वाला प्लस वाला अनंत तक जाएगा, नीचे बाई वाला सॉरी बाई वाला अनंत तक जाएगा। तो इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अनंत तक द्योतक करने वाले ये हमारे साइन होना नितांत आवश्यक है। तो जब भी आप बात करेंगे तो इसको इस तरह बनाएंगे, लेकिन अगर जैसे कोई भी चीज़ है अगर ग्राफ पर आपको अंकित करना है और ग्राफी विधि के द्वारा, तब ऐसे स्थिति में माय डियर स्टूडेंट दोनों मान धनात्मक माने तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक कोने साइड एक खंड छोड़कर ऐसे यहाँ पे खंड लेते हुए आपको इस तरह से ये जीरो आ जाएगा, तो यहाँ पे आप इस तरह से अंकित करें, जब कोई भी मान अंदर हमेशा होगी यहाँ नीचे और यहाँ पे, तो इस बात को जानिए जब भी आपको द्योतक करना है या साइड भी आप कर सकते हैं, दोनों साइड काट के भी कर सकते हैं, तो आपको इस साइड भी कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि दोनों मान को आपको जब द्योतक होते हैं जब बताते हैं जानकारी देते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका क्या होता है कि धनात्मक दोनों मान उसको साइड बेहतर के लिए आपको बाहर कर सकते हैं, थोड़ा सा लेकर के बाहर कर सकते हैं, इन साइड भी बाहर साइड में लेते हैं। इस बात को जान लें आपको जब दोनों धनात्मक मानों को निरूपित किया जाता है तो कुछ इस तरह से खाका बनता है, और जब धनात्मक मान को निरूपित नहीं किया जाता पूरे मानों को निरूपित किया जाता है तो खाका इस तरह बनता है, यहाँ दोनों मान प्लस के होते हैं, यहाँ ये वाला मान प्लस का हो माइनस का होता है, ये प्लस का होता है, यहाँ दोनों मान माइनस के होते हैं या प्लस माइनस, आपने देख लीजिए चार दोनों प्लस दोनों माइनस क्रॉस, एक माइनस एक प्लस, एक प्लस एक जो क्रॉस में होते हैं विपरीत, ये नोटिस कर लीजिएगा। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ, तो किसी भी चतुर्थांश की आपका निरूपण क्या है, कुछ मैं थोड़ा सा अलग होकर के आपको बताऊंगा, इन्हें फर्स्ट सेकंड थर्ड से भी आप डिफाइन कर सकते हैं, फर्स्ट दैट इज कॉल्ड द सेकंड, दैट इज कॉल्ड द थर्ड एंड दैट इज कॉल्ड द फोर्थ।
इस तरह भी आप चतुर्थांकना लिख करके निर्देशांक निर्देशित करना बताना जब किसी भी एक बिंदु की एक्स और वाई में निर्देशित करते तो उसे कहते हैं निर्देशांक। और निर्देशांक को ज्यामिति में मतलब उसको निरूपण करना वो कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। ज्यामिति में बदल देना, ज्यामिति रूपण निरूपित करना वो निर्देशांक ज्यामिति कहलाती है। यहीं पर एक टॉपिक समाप्त होता है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट्स, दिस वन आर नेक्स्ट topic and I am going to how can a dot to be geometrically in the on the graphs or the quadrants. चलिए आइए अगला टॉपिक है, हम कैसे निर्देशित करते हैं। सपोज दैट मैंने कहा 4, 5 एक बैंड वैल्यू लिख दी 4 और 5, इसको कैसे निरूपित किया जाता है आइए इस टॉपिक को मैं आपको बताता हूँ। माय डियर स्टूडेंट, दोनों में धनात्मक वैल्यू है, ये आपको पता होना चाहिए। दोनों धनात्मक वैल्यू आपके एक्स अक्ष पर निरूपित करते हैं। अगर आप लोग एस वाई जेड मतलब निर्देशन जो चतुर्थांश है मतलब क्वाड्रेंट है, अगर आप उनको ना जान पाए फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, अगर ना जान पाए तो कोई बड़ी बात नहीं। प्लस की वैल्यू ये आ गई और फाइव की वैल्यू कहाँ पे आ गई, प्लस। अब ये दोनों किस साइड पर आपको ये चीज़, इस साइड और इस साइड की चीज़, ये चीज कौन सा आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसको आपको पहले पहचान होना चाहिए। फर्स्ट माइनस फाइव थ्री, माइनस फाइव को ये थ्री का आना कौन सा चतुर्थांश होते हैं फोर। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये फर्स्ट हो गया माइनस थ्री, माइनस थ्री, माइनस थ्री वैल्यू क्या है पहले एस की वैल्यू होगी ये है एम आई राइट लिख रहा। माइनस फोर की वैल्यू क्या है आपकी ये है, इन दोनों का जो जोड़ होगा वो किस साइड जा रहा है, ये क्या लाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट या तृतीय चतुर्थ। इसके बाद आपका आ जाएगा माइनस टू टेन, अगर इसकी बात करें तो माइनस वैल्यू तो आपकी ये है टू टेन प्लस ऊपर साइड में जाएगा, ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं, दोनों को मिला के तो कुछ छोड़ छोड़ मिलने के लिए तो आप ऐसे कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपके कितने चार चतुर्थांश आएंगे इस साइड नहीं आएंगे बल्कि आपके साइड में इस सदिश में, तो आपको क्या कहें यहाँ पे मिल रहा है तो कौन सा क्या लाएगा सेकंड चतुर्थांश आपको आ गया। मुझे लग रहा बहुत अच्छी तरह से आ गया होगा कि चतुर्थांश कैसे हम लोग होते हैं और कैसे हम इसको ज्ञान में कोई भी वैल्यू थ्री फोर कौन सा होगा चतुर्थांश फर्स्ट, माइनस थ्री माइनस थ्री टू सेकेंड, माइनस फोर माइनस सिक्स, माइनस फोर माइनस सिक्स कौन सा होगा थर्ड, माइनस थ्री फोर, माइनस थ्री फोर सेकेंड, फोर माइनस सिक्स, फोर माइनस सिक्स फोर। इस तरह से आपको चतुर्थांश का अनुभव आ गया कि कोई भी चतुर्थांश कहलाता क्या है कैसे है। अब होता है दूसरा टॉपिक, दिए हुए किसी भी बिंदु के मान को आपको लिखना। आप हम आपको निर्देशन कर रहे हैं, आपको इसमें वैल्यू लिखनी है एक्स कॉमा वाई की वैल्यू क्या माय डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले आपको देखेंगे या फिर यहाँ पे हम खाली भी छोड़ सकते हैं, तो आपको ये ध्यान रखें यहाँ पे मैंने खाली छोड़ दिया कॉमा लगा दिया यहाँ पर भी छोड़ दिया। आप बताइए कि जो आपको निर्देशन दिखाई दे रहा या फिर मैं कह सकता हूँ उसको एस कॉमा वाई या ए बी या बी सी या कोई भी बिंदु हो सकती है, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं जी आपको समझाने के लिए इसकी वैल्यू क्या हो। तो माय डियर स्टूडेंट सबसे पहले ध्यान रख दीजिए यहाँ पर एक्स वाई ना लेकर के ए बी भी ले सकते थे ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते, टीचर कंफ्यूज करने की कोशिश करता है क्योंकि एक्स वाई होगा तो क्लियर होगा कि एक्स की वैल्यू आप लिख देंगे वाई की वैल्यू। आपको पता है कि सबसे पहले माय नेम इज राजेश दीक्षित, राजेश द नेम ऑफ माय सेल्फ एंड दीक्षित द माय कास्ट, आई एम बिलोंगिंग टू द ब्राह्मणा सोसिए सुरेश कुशवाहा, सुरेश द नाम एंड कुशवाहा मीन्स काची, अनिल साहू, अनिल इज द नेम एंड साहू इज द तेली मतलब जाति जो गोदा कहलाते हैं। तो आपको पता सुरेंद्र सिंह परमार, सुरेंद्र इज द नेम, सिंह इज द फॉर इज जस्ट लाइक राजा के लिए किंग के लिए मतलब इशारा करता राजा साहब ठाकुर साहब, और परमार इज द कहाँ पे यूज करते परमार इज द ठाकुर ब्रह्मी इज द ठाकुर, तो मीन्स क्या कहलाते हैं उसी प्रकार से जिस तरह से नाम में पहला नाम दूसरा जाति बोधक शब्द आता है उसी प्रकार से माय डियर स्टूडेंट पहले एस की वैल्यू आती फिर वाई की वैल्यू आती। हमने यहाँ से चले एस में कहाँ मिला सिक्स, वेरी गुड, यहाँ पे वाई को कहाँ मिला दैट इज द राइट। अब हमने कोई निरूपित कर दिया, इसको हमने निरूपित कर दिया यहाँ पर ऐसा डाल दिया जस्ट, इसकी वैल्यू क्या होगी पहले लग देंगे हमको वन और फिर लग देंगे माइनस, एम आई राइट ठीक है सही गलत हो गया बच्चा, क्यों गलत हो गया मैं पहले बता चुका हूँ सबसे पहले वैल्यू लिखनी है आपको एक्स,
ये गलत हो गया, आपको जीरो मार्क्स मिल गए। अगर आपको मार्किंग में क्वेश्चन था तो पहले लिखेंगे एक्स के मान और फिर लिखेंगे वाई का मान। नामांकन ध्यान रखिए, ये नहीं लिखा जाता दीक्षित राजेश, साहू सुरेन, कुशवाहा अनिल, ऐसा नहीं लिखा जाता, बल्कि नाम क्या लिखा जाता, सुरेश साहू, साहू सुरेश नहीं लिखा जाएगा, पहले नाम उसके बाद फिर आता। वो बात अलग है कि कभी उपनाम में जो डायरेक्टिव वगैरह बनते हैं उसमें उपनाम पहले लिखा जाता है, हमको कहीं लिखते वो एक चीज अलग है। लेकिन एक्चुअली जब आप बोलेंगे, आपसे कोई बात करेगा या बातचीत करने की कोशिश करेगा, उसमें सबसे बड़ी बात आएगी कि कोई भी टॉपिक में किसी हो आपको निरूपण शब्द आ चुका होगा। अब मैं निरूपण किसी भी दिए गए बिंदु का चतुर्थांश ज्ञात करना, दिए गए चतुर्थांश अगर मैं कह दूं कि आपका इसको निरूपित करिएगा। अब आता है तीसरा नंबर, दिए गए चतुर्थांश में बिंदु का नामांकन बताना, कि वो बिंदु का क्या नाम है, 3.4 है, निर्देशांक क्या है वो बताना, मैंने आपको बता दिया। दिए हुए बिंदु का चतुर्थांश ज्ञात करना, दूसरा टॉपिक हो गया। अब दिए हुए बिंदु को ग्राफ पर निरूपित करता है निर्देशांक में बताना, तो मैं किस बिंदु को बताना चाहता हूँ, 3 कहाँ पे, एन प्लस है, क्योंकि पहले 3 प्लस का होगा, ये है ना, नो दिस वन इज, नो दिस वन इज, यस, सोचिए पहले माइनस का 3 है, यहां आएगा नहीं, ये प्लस का है, ये होगा 3 माइनस का दिख रहा, नो बल्कि एस का 3 होगा, एस का चाप का ये है, एस एस डेस डेस इज एडजेसिंग और बाई एंड बाई डेस, बाई डेस इज डेस जो होता है एडजेसिंग करता है, तो दिस वन इज द नेगेटिव एंड सेम एक्स इज पॉजिटिव नंबर, बाई इज पॉजिटिव नंबर एंड बाई डेस इज नेगेटिव नंबर, तो माय डियर स्टूडेंट्स वेयर इज -3, दिस वन इज अ -3, ओके, एंड -4 इज दिस। अब यहां से क्या करेंगे, -3 से लाइन बिंदु को खींचेंगे और कोशिश करना है 4 से ज्यादा ना आए, 4 से बिंदु आएगा, दोनों बिंदु जहां पे प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु का -3, -4 निर्देशित कर दिया जाएगा, जैसा कि आपको यहां बोर्ड पर दिखाई देगा। आइए इसको मेडिटेशन करते हैं, 5 थर्ड में था, देखो थर्ड में बैठे देख रहे हैं आपको भाई, यहां पर मैं स्पष्ट किया था थर्ड, आपका थर्ड में ही नोटिस राइट देख रहे हैं आपके लिए। अब आप नोटिस करते दोनों 4 और 5, 4 कहां पे, एक्स पहला होगा, एक्स का 4, वाई का 5 कहां है, आप क्या करेंगे यहां से ऐसे बिंदु लेंगे जो 4 से ज्यादा ना थोड़ा सा, चूंकि आपको पता है कि आप जब ग्राफ का काम करेंगे तो ग्राफ के काम करने में विशेषता होगी कि आपकी लाइन प्रत्येक जगह जा रखी है, क्योंकि प्रत्येक 1 सेंटीमीटर के कॉर्नर पर खड़ा था, मैंने आपको बता रखा है जी, आपके बिंदु थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इसी प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह से आपको एक बिंदु आपको मिलेंगे, एक कॉलम, जो हम एक कॉलम बताना चाहते हैं, इस कॉलम में कुछ मोटी लाइन होगी, थोड़ा सा मोटी, चारों तरफ से मोटी लाइन होगी बड़ी वाली, इसके अलावा आपको पांचवी 1, 2, 3, 4, 5 पांचवी लाइन 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पांचवी, क्योंकि हमारा सेंटर नहीं आ पाया, तो जे लाइन इस सबसे पतली लाइन होगी जो आपको यहाँ पे थी, उससे हल्की सी मोटी लाइन होगी वाली, उससे और मोटी लाइन होगी, तो 1 बाई 1 सेंटीमीटर का होता, जिसमें हम देखेंगे यहाँ 10 है और यहाँ 10 है, 10 सारा 100 कॉलम होते हैं, 100 खाने होते हैं ग्राफ की, जो आपकी पकड़ होती है, जैसा ग्राफ होता तो उसमें कभी बार 10-12 ऊपर से नीचे तक होते हैं, 14-15 यहाँ तक होते हैं, लेकिन अगर आपका बड़ा ग्राफ है तो 10-20 तक जा सकता है, बीच में 8-16 तक जा सकता है, तो वो आपके ग्राफ की साइज पर डिपेंड करता है, तो आप कितने निर्देशित कर सकते हैं, कितने बना सकते हैं। तो जे ग्राफ का एक हिस्सा कहलाता है, जो कि मैंने यहाँ पेस्ट किया, अब यहाँ जस्ट ड्रॉ इट, नाउ आई विल रब इट एंड नाउ कम टू द पॉइंट, यस -4 and 5 ओके, दिस वन इज फर्स्ट, ये आपको पता है फर्स्ट है, आपको ज्ञात है, दिस वन इज सेकंड, आपको उस एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज क्या कहलाता है मैं आपको बताऊं, आइए आपको पता है यहाँ 12 लिखा होता है घड़ी में, यहाँ 3 होता है, यहाँ 6 होता है, यहाँ 9, घड़ी की सुई हमेशा कैसे चलती है याद है, आप सबको याद है,
तो इससे कहते हैं क्लॉक वाइज, हिंदी में वायावर्त वामावर्त दक्षिणावर्त कहलाता है। तो इसे आपका कोई भी चीज़ अगर हम उल्टी चलाना था, एंटी माने होता उल्टी, घड़ी के अनुसार उल्टी। तो मैं आपको बताऊँ कि आप ये नोटिस कर लीजिए यहाँ पे कैसा जाता है। देखिए मिल जाता है पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ये घड़ी की सुई ऐसा देखिए, ऐसा फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ये घड़ी की सुई के अनुसार चलना, इसे कहते हैं एंटी क्लॉक वाइज। क्या कहते हैं? एंटी क्लॉक वाइज। क्लॉक वाइज माने घड़ी के अनुसार, एंटी क्लॉक वाइज घड़ी के विपरीत के अनुसार। एम आई राइट? तो आप समझ गए होंगे। तो आपका याद गया है, नेक्स्ट टॉपिक मैंने दोनों को एडिशन कर दिया। अब आता है माइनस फाइव। माइनस फाइव क्या होगा? यहाँ थ्री फोर सॉरी यहाँ फाइव एंड सिक्स होना चाहिए, फाइव आ गया, माइनस फाइव एंड थ्री, यहाँ यहाँ से वैल्यू आएगी दिस वन दिस वन, ये दोनों हम मिलेंगे तो आपका क्या लग रहा है? माइनस फाइव कॉमन थ्री। इसको आप एडिशन करते हैं, इसको कहते हैं एडिशन करना। किसी चीज़ को आपको ग्राफ पर जब निरूपित करते हैं तो ग्राफ पर निरूपित करते समय उसको बिंदु को क्या कन्वेंशन करना। इसी प्रकार से टू कॉमन है तो माइनस टू तो आपका यह है टेन, यहाँ नीचे क्यों चला जाएगा, सॉरी ऊपर क्यों चला जाएगा, टू से यहाँ पर बहुत ऊपर जाएगा क्योंकि यहाँ पर दस आएगा तो यहाँ पर पहुँचेगा। इसी तरह से किसी भी वैल्यू माइनस फोर तो माइनस फोर आपका ये है, माइनस सिक्स है, इन दोनों को मिलाकर के जो बिंदु पर प्रतिक्षेप करके यहाँ पर दोनों रेखाएं आ जाएंगी, यहाँ पर आप बिंदु रखेंगे तो माइनस थ्री ये है और प्लस फोर यहाँ पे, इन दोनों को इस तरह से आप क्या करते हैं निरूपण किसी भी बिंदु को दिए रखो ग्राफ पर निरूपित कर सकते हैं। अब इन टॉपिक के साथ अब मैं चलूँगा आपके अगले टॉपिक जो कि मैं अरिहंत बुक्स कि फर्स्ट प्रश्नावली दूंगा तो उस पर आप टॉपिक पर पहुँचिएगा और एक एक क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छी तरह से कराता हुआ आगे बढ़ूँगा। थैंक यू वेरी मच वंस मोर। हाउ माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। एक्स अक्ष पर कोई बिंदु नहीं, सपोज दैट तो पीछे से यहाँ पर थ्री वैल्यू है, अगर यहाँ पर टू है, यहाँ पर माइनस थ्री, यहाँ माइनस फाइव, अगर कोई भी एक्स अक्ष पर वैल्यू है, एक्स अक्ष पर कोई मान नोटिस कर लीजिए, एक्स अक्ष पर मान, एक्स अक्ष पर कोई मान है, एक्स अक्ष पर मान वाई बराबर जीरो होता है, और अगर कोई भी डॉट है बिंदु है बाई अक्ष पर मान घटा दीजिए आप सीधा दीजिए बाई अक्ष पर क्या रहता है एक्स बराबर जीरो। ये दो बिंदु इनको समझने का प्रयास कीजिए, क्या कह रहा हूँ, एक्स अक्ष पर अगर कोई भी बिंदु है तो उसका बाई का मान जीरो, एक्स अक्ष पर तो है वन टू थ्री, एक्स अक्ष पर तो बाई का मान मान दीजिए, यहाँ की साइड देखेंगे तो क्या देखिए, अगर यहाँ बात करेंगे अगर यहाँ डॉट होगा तो यहाँ पे एक्स का मान तीन होगा बाई का एक होगा, एक्स का यहाँ पे अगर निश्चित करें मैं आपको जल्द यहाँ पे देखिए यहाँ पे बिंदु रखा मैंने एक्स की वैल्यू कितनी हुई थी एक और बाई की वैल्यू कितनी बार यहाँ आएगा तो एक्स की वैल्यू कितनी हुई थी बाई की थ्री, एक्स की थ्री बाई की थ्री, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे एक्स की थ्री बाई की वन, एक्स की टू एक्स की थ्री बाई की, यहाँ बिंदु आप देखिए अगर कोई भी रेखा अगर इस बिंदु के बारे में कहते हैं तो इस बिंदु के बारे में कहा जाएगा एक्स का मान होगा थ्री बाई का वन, यहाँ बिंदु बात करेंगे इस पर एक्स का मान होगा थ्री बाई का टू होगा, यहाँ बात करेंगे एक्स का होगा थ्री बाई का होगा आपका टू, यहाँ बात करेंगे यहाँ पे क्या होगा एक्स का तो थ्री होगा लेकिन बाई का क्या हो जाएगा जीरो, जो भी आपको सामने दिखाई देता है यहाँ पर बिंदु मान क्या होता है जीरो होता है, ये मूल बिंदु कहलाता है। मूल बिंदु पर सभी मान जीरो आ जाते हैं, मैं पहले बता दूँ। अब आपको इसमें इसी प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा तो आप क्या कहेंगे थ्री कॉमा वन, अगर हम इसको एक लाइन के रूप में बना दें, देखिए लाइन बन गई किस अक्ष के समांतर लाइन या बाई अक्ष के समांतर लाइन, बाई अक्ष का समांतर लाइन में एक्स बराबर थ्री होता है वो कौन सा मान इस समय कॉमन होगा, सोचिए मैं आपसे कहूँ कि बाई के समांतर अगर कोई लाइन है तो उसका बताइए उसमें क्या मान उसका क्या क्या सूत्र होता है, तो एक अगर बाई के समांतर सर है तो आप देख रहे हैं कि बाई की वैल्यू तो मतलब की आएगी यहाँ पर फोर आएगी फाइव आएगी सिक्स आएगी सेवन आएगी नाइन एंड आएगी यहाँ भी आपका बन रहा है, लेकिन एक मान जो कॉमन आएगा वो क्या होगा एक्स, एक्स का मान, तो क्या कह सकते हैं हम
यदि आप नोटिस कर लीजिएगा, जो बिंदु आप इस टॉपिक को शुरू करने के पहले नोटिस कर लीजिएगा, एक बिंदु तो मैं आपको यही चीज बता चुका हूँ, दूसरा बिंदु आपको ये बताता हूँ, एक्स अक्ष पर वाई की वैल्यू जीरो की जैसे मैंने मान बताया, और वाई अक्ष पर, वाई अक्ष में यहाँ पर बात करता हूँ, वाई की दो है, एक्स की वैल्यू क्या है, तीन है, एक्स की वैल्यू जीरो, चार है, एक्स की वैल्यू जीरो, पांच है, एक्स की वैल्यू जीरो, छह है, एक्स, आगे बात जान लीजिए कि वाई अक्ष पर एक्स की वैल्यू जीरो होती है और एक्स अक्ष पर वाई की वैल्यू जीरो होती है, ये दो बिंदु आपको समझ में आ जाना चाहिए। तीसरा बिंदु क्या है, एक्स अक्ष के समांतर अगर रेखा लिखी जाए, वाई बराबर कोई भी वैल्यू हो सकती है, इसको हम एन से भी डिनोट कर सकते हैं, एक्स अक्ष के अगर कोई समांतर रेखा होगी तो ये बात, अगर दो की समांतर रेखा मिली, यही दिखाई आपको बिंदु बिंदु दिखाई दे रही है, मैंने रेखा की थी, तो माय डियर स्टूडेंट, एक्स अक्ष के अगर कोई भी समांतर रेखा है तो उसमें एक्स की वैल्यू हमेशा दो आएगी, लेकिन वाई का मान क्या आएगा, जीरो, यहाँ एक होगा, यहाँ दो होगा, माइनस होगा, यहाँ माइनस तीन होगा, यहाँ माइनस, तो यहाँ पे होगा माइनस एन, नोटिस कर लीजिए, यहाँ पे क्या होगा, वाई एक्स पर कारण एक्स मान क्या होगा, वन होगा, एक्स का समांतर है, एक्स का, एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, एक्स का समांतर है, एक्स की वैल्यू नहीं आ रही, लेकिन वाई का मान दो ही होगा है, तो नोटिस कर लीजिए, तो आप जानिए एक्स अक्ष के समांतर वाई बराबर एन मान कोई भी मान हो सकता है, अगर मैं कह दूं कि 4.5 अगर कोई भी बिंदु एक रेखा एक्स अक्ष के समांतर 4.5 पर खींची तो एक्स अक्ष के समांतर क्या होगी, एक्स अक्ष के समांतर रेखा, चूंकि देखा मैं पहुंच गया, यही बताना चाहिए लेकिन तब भी बात आ गई, वाई बराबर फाइव, ये नोटिस कर लीजिए, अगर कोई बिंदु है 4.5 तो हम अगर आपसे पूछ रहे हैं, एक तो मैं आपसे ये क्वेश्चन मान ही सकता है, लेकिन एक आईक्यू के लिए आपके पास ज्ञान है, तो एक्स के अगर कोई समांतर है तो उसका मान वाई बराबर 5 होगा, और अगर वाई अक्ष के समांतर है, वाई अक्ष के समांतर है, समांतर अगर कोई रेखा है, वैसे नहीं आता सवाल, तो उसका मान क्या होगा, एक्स बराबर 4 होगा, एक्स की वैल्यू जो है वह आपकी, एक्स की वैल्यू होती है वाई एक्स के समांतर, और वाई एक्स की वैल्यू होती है एक्स के समांतर, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, ये समांतर रेखा वाई के है, लेकिन वाई का मान बदल रहा है, पीछे वाला मान है, लेकिन एक्स का मान एक ही रह रहा है, इसलिए एक्स अक्ष के समांतर मान वाई बराबर होता है, और वाई अक्ष का समांतर मान एक्स के बराबर होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको चित्र में समझाने की बहुत अच्छी तरह से कोशिश की, दो बिंदु में बहुत अच्छी तरह से आपको समझा चुका हूं, क्या समझा चुका हूं, कि एक्स अक्ष पर वाई का मान जीरो होता है, एक्स का तो लिखेंगे, अगर एक्स अक्ष पे यहां पे आ गया तो 5.0, ये मान क्या होगा, 3.0 होगा, ये मान क्या होगा, 4.0 होगा, ये मान 2.0 होगा, यहां पे दोनों मान 0.0 होगा, -1.0, यहां पे क्या आएगा, 0, पहले एक्स का लिखा जाता है 0.-1 -1 -2 0.-2 0.-3 0.-4 इसी लाइन पर, इसी प्रकार से अगर मैं कह सकता हूं तो कह सकता हूं एर का मान क्या होगा, पहले एक्स एक्स कॉमा 5 तो आपको आ गया होगा, ये टॉपिक आपने नोटिस कर लिए होंगे, कोई डाउट नहीं, आइए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको सवाल में दिया गया है, सवाल में क्या कहा गया, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप लोग अपनी किताब को ओपन कर लें, सवाल में आ रखा है, मैं पढ़कर बता रहा हूँ, चित्र को देखिए तथा निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए, बी के निर्देशांक, दूसरा सी का निर्देशांक, डी भुजा, डी का भुज, एच की कोटि, एल का निर्देशांक, तो पहले बी का निर्देशांक ज्ञात करना है, बी का निर्देशांक क्या कहलाएगा बेटा, पहले एक्स का मान माइनस, वाई का मान कितना है, निर्देशांक से पूछा था, निर्देशांक बी का निर्देशांक, दूसरा क्वेश्चन क्या है, सी का निर्देशांक, वेयर सी, नाउ ओके, सी में पहले देखा जाएगा, पहले एक्स लिखा जाएगा, फिर वाई लिखा जाएगा, यहाँ एक्स देखेंगे कहाँ से आ रहे हैं, 5 से, यहाँ देखेंगे कहाँ पहुंचा, माइनस, ओके, आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन क्या है, बिंदु डी का भुज, वेयर सी डी, डी के जो बिंदु होते भुज, अब इसने गुमराह कर दिया, मैंने बताया यहाँ पे आपको पता है एक्स कॉमा वाई, इसको कहते हैं भुज कॉमा कोटि, इसको ऐसा भी आप कह सकते हैं, तो आपको क्या बताना है, डी का भुज, डी का भुज माने एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 6, आप आगे लिख सकते हैं, चूंकि वाई का मैंने नहीं पूछा, तो आपको लिखेंगे क्वेश्चन कैसे देंगे, क्वेश्चन देंगे आप आंसर, बिंदु डी का भुज 6 होगा, आप लिखेंगे आपका बी का निर्देशांक -5.2 होगा, सी का निर्देशांक
स्थाई होगा, इस तरह से आपको लिखा जाए। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, बिंदु एच की कोटि, बिंदु एच क्या है, ए आई कोटि मीन्स क्या बात है, मैं पहले बता चुका हूँ बाई ए आई कोटि में जे आपकी होगी एच की, यहाँ बाई की, यहाँ पर क्या आ जाएगी, यहाँ पर छोड़ करके माइनस एक्स, आप उसको आगे वाले को छोड़ दीजिए क्योंकि उसने एक ही चीज़ पूछी है, तो आपको आगे कह सकते हैं आप सीधा माइनस तीन कह सकते हैं, कोटी बना बराबर आप कोटी बराबर बाई या कोटी के बाद क्वेश्चन बाई कह सकते हैं, बराबर करना आपका मान्य बन सकती है माइनस तीन, स्पष्ट है, चारों सवाल हो चुके हैं। पांचवा बिंदु एल के निर्देशांक, एल का निर्देशांक पहले बता चुके हैं कि बाई एक्स पर एक्स की मान वैल्यू दी होती और एक्स अक्ष पर बाई की वैल्यू दी, एक्स अक्ष पर कोई व्यक्ति आई एक्स अक्ष पर, इसको ऐसा भी ले सकते हैं एक्स अक्ष पर क्या होगा, एक्स का तो मान होगा लेकिन बाई का मान क्या होगा जीरो, बाई एक्स पर क्या होगा उसी के आगे लिख दीजिए, बाई एक्स पर क्या होगा एक्स का मान तो जीरो होगा लेकिन बाई की वैल्यू कोई नहीं हो सकती, या इसको हम कह सकते हैं अगर कोई मान है तो इसको एन कह सकते हैं, इसको एन कह सकते हैं, ये एन हमारा या तो प्लस का होगा या माइनस का होगा, प्लस माइनस एन क्यों, एन अगर आप इसको चाहें तो कॉमा करके प्लस माइनस एन भी ले सकते हैं, यहाँ पर प्लस माइनस एन, एन माने वैल्यू, एन माने अनंत तक जाने वाले, एन मीन्स क्या है अनंत तक जाने वाले मान को एन कहते हैं, जब किसी चीज़ को कॉमन समय डिफाइन करना हो तो उसको एन वैल्यू से डिनोट कर देते हैं, पहले बताए तो हम क्या कहेंगे जो आपको दिखाई दे रहा है प्लस माइनस एन कॉमा जीरो और जीरो कॉमा प्लस माइनस एन, दिस मत इज कॉल्ड द एन माने अनंत, अनंत नंबर से नंबर माने अनंत तक जाते हैं और इस वैल्यू को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इस तरह से पहला सवाल आपका था वह हमने कंप्लीट पूरी कर। अब अपन सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, आइए चूंकि सवाल में सभी क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे क्यों ना हम लोग सब लोग जानते हैं निकाल दें सभी बिंदु के बारे में डॉट के बारे में बता दें, जी की वैल्यू क्या आएगी माय डियर स्टूडेंट टू कॉमा माइनस फोर आप सब निकाल लीजिएगा, सी की वैल्यू आ गई थी आपकी, ई की वैल्यू क्या आएगी माइनस थ्री कॉमा माइनस फाइव ताकि उसने कंफ्यूज किया था आपको, इस प्रकार से कोई भी अगर मैं कहता हूँ कि इस वैल्यू यहाँ की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे वैल्यू अगर कोई आप चाहे रख सकते हैं एक्स के मान को माइनस थ्री आ जाएगा बाई तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे आपका जीरो कॉमा होगा और थ्री हो जाएगा, अगर हम कहते हैं आपसे कि इस मान के लिए बताइए तो आगे ऐसे मान जीरो हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा, इस तरह से आप किसी मान को आइडेंटिफाई या डिनोट कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट टॉपिक सेकेंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, यदि पी क्यू आर एस एक वर्ग है, वर्ग नहीं जिसकी चार भुजाएं बराबर आप जानते हैं जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई टू ए, भुजा की लंबाई क्या है क्योंकि यहाँ पर कोई मान नहीं दे रखा टू ए, जब जब भी कोई भी चर होता है दैट इज वन द वेरिएबल एंड ये अनवेरिएबल से इसको हम कहते चर, इसको कहते अच्छा जब चर आ जाता है तो कोई भी मान वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकती आइडेंटिफाई नहीं कर सकती है, वर्ग के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जबकि पी मूल बिंदु पर है, पी क्यू और आर एस एस ओ एक्स, ओ एक्स मीन्स यानी ये जीरो एक्स है तथा जीरो बाई के साथ है, आपको पता है जी चतुर्थांश कहलाता है, ऐसे आइडेंटिफाई करना जैसे सवाल नहीं करना चतुर्थांश से, इस चतुर्थांश में कोई भी वैल्यू नोट नोट तो नहीं करेंगे, यहाँ पे आपको पता है जी जीरो कहलाता है, पी क्यू आर एस वर्ग की प्रतिभुजा की लंबाई टू है, वर्ग के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जबकि पी मूल बिंदु पर, देखिए यहाँ पे जो है इसको अपन को पी माना गया कोई बड़ी बात नहीं, पी क्यू और आर एस ओ एस, पी क्यू क्या है आप पर नोटिस करिए, पी क्यू जो भुजा गई है जीरो कॉमा एस पर क्या है और आपका दूसरा क्या है आर एस, आर एस भुजा जो गई है वो ओ वाई पर गई है, तो मतलब आर पी क्यू तो पी से क्यू जो जा रहा है वो जा रहा है एक्स क्यू, तो अपन लोग कोई चीज मान लेंगे एक्स क्यू एम आई डेट, तो यहाँ पर आ जाएगा पी क्यू, अब आ जाएगा आर और एस, आर एस क्या कहलाएगा आप पी क्यू पर आर आएगा यहाँ पे एस क्यू क्या होता है अगर कोई भी चीज वैल्यू आ जाती है ऐसा बन जाता है चतुर्भुज बनेगा ऐसा, तो उसमें हम जो काउंटिंग करेंगे पी क्यू आर वैल्यू ऐसे है पी क्यू चूंकि जब भी भुजा बराबर होगी ये भुजा पी क्यू और आर और एस, पी क्यू आर एस, आर एस क्या है ओ कॉमा बाई पर आपका जा रहा है, नोटिस करना पड़ेगा माफी चाहते हैं या आर एस नहीं है पी एस है, तो मैंने क्या कहा पी क्यू जो है वो ओ जीरो एस है, पी क्यू जो है जीरो एस, पी क्यू जीरो एस, ये एस है ये बाई है ये एस डेक्स है ये बाई डेक्स है आपको ज्ञात है, तो आपने क्या कहा पी क्यू जो क्या है ओ माने जीरो या जीरो ओ नहीं है इसको जीरो जीरो कॉमा एस जीरो एस है, तो जीरो से एस की ओर और पी एस, पी एस ऊपर आएगा वह क्या है आपका बाई की ओर, इन
सब भुजाओं की जो दूरी है टू ए है, टू ए है, टू ए है और टू ए। यहाँ पी बिंदु का निर्देशांक, पी बिंदु का निर्देशांक होगा क्या आएगा आपका, नोटिस कर लीजिए यहाँ पे दोनों बिंदु जीरो होते हैं, जीरो कॉमन। दूसरा आएगा क्यू, दोबारा समझ लीजिए अगर कोई डाउट हो आपको। पी पर मूल बिंदु पर है, पी क्यू जो है एस की ओर गया है, जीरो से एस की ओर गया है, और आर एस आर पी आर पी एस पी एस पी एस कहाँ गया है आपका, तो क्या होता है पी क्यू आर एस। अगर कोई भी मान शुरू होता है तो वो एक प्रॉब्लम होगा, अगर या तो उसको ऐसा रखा जाएगा या फिर ऐसा रखा जाएगा। तो जब उसने पी क्यू स्पष्ट कर दिया तो ये मान पी क्यू के बाद आर ऊपर आएगा, एस एस आएगा, इस तरह से रखा जाएगा। अब यहाँ पर मान मैच कर गया पी एस, चूंकि हमारा आर एस हो गया तो हमें कंफ्यूज हो गया भाई आर एस एस हो गया, चूंकि गलती से मैं आर एस पे कह रहा हूं, बट दिस वन इज आल्सो पी एस। ओके, तो आपको क्या करना है टू ए। अब आ जाएगा क्यू का निर्देशांक, क्यू पर क्या होता है एक्स अक्ष पर कोई भी मान, क्यू का निर्देशांक में क्या लिखना है पहले एक्स अक्ष पर कोई भी मान वाई का बराबर जीरो होता है, यहाँ पर एक्स की तो वैल्यू आएगी टू, देखिए वाई की वैल्यू क्या जाएगी जीरो। अब आ जाएगा आर, आर में बीच में है ना एक्स में, तो एक्स एक्स पर देखेंगे तो टू ए यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से यहाँ पर दूरी टू ए, और यहाँ देखेंगे तो यहाँ से यहाँ पर दूरी भी कितनी है टू ए, और लिखेंगे टू ए कॉमा टू ए। ओके, और दूसरा लास्ट आएगा एस, जिसको कहा एस यहाँ पे आ रखा, एस में क्या देखेंगे बाई एक्स पर एस का मान जीरो होता है, जैसे मैं बता चुका हूँ जीरो कॉमा, क्योंकि दूरी सबकी एक सी थी टू ए के पास। ये आपका आ गया पी क्यू आर एस, P की वैल्यू जीरो कॉमा जीरो, Q की वैल्यू टू ए कॉमा जीरो का निर्देशांक, R की वैल्यू टू ए और S की जीरो कॉमा टू ए। इस तरह से आपका ये सवाल हो चुका। कोई डाउट, कोई डाउट, नो, ओके, थैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बिंदुओं का कार्तीय तल में स्थान निर्धारित कीजिए, कार्तीय तल का एक्स वाई में, तथा इनको आपस में क्रम से मिलाकर एक से दूसरा क्रम मिलाकर और प्राप्त चित्र की पहचान कीजिए। पहचान करेंगे a बराबर 1.3, b बराबर 1.-1, c इक्वल टू 7.-1 डॉट कर, एंड थर्ड इज d इक्वल टू 7.3। उस बिंदु को निर्देशन ज्ञात कीजिए जिसमें विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं। विकर्ण क्या कहलाता है, जब चारों बिंदु होते हैं चारों बिंदु से आमने सामने की तिरछी जो लाइनें खींची जाती हैं, मेरा सामने वाली जो रेखा होती है एक रेखा छोड़ के दूसरे बिंदु को तिरछी जो रेखा की जाती है उसे कहते हैं विकर्ण। कर्ण ही होता है 90 अंश का कोण, क्योंकि आयत हो या वर्ग हो या आयत हो उसमें चारों भुजाओं पर कोण बनते हैं 90 अंश के, और उसके विकर्ण माने होता है बीच में कर्ण, किसी भी आकृति के बीच में कर्ण को विकर्ण कहते हैं। नोटिस कर लें कर्ण ही है लेकिन विकर्ण क्या कहते हैं, बीच में, बीच शब्द के रूप में इस्तेमाल उसको छोटा बना दिया गया विकर्ण। आप उसको ऐसा समझ सकते हैं, लिखा जाता है जो विकर्ण है इसको हम कहेंगे बीच में कर्ण, बीच में कर्ण, तो इसको ऐसा होना चाहिए विकर्ण, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसको अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए उन्होंने छोटी मात्रा बना करके इसको कर दिया विकर्ण। विकर्ण का मतलब होता है बीच में कर्ण। अब आता है आपको अपने ग्राफ में कोई भी अंकित करने के पहले एस की वैल्यू 1.17, वाई की वैल्यू 3.1, मतलब अधिकतम एक्स की वैल्यू कितनी है 7.3-1-1। ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि मैं आपको बता चुकूँ कि एक्स और वाई पर जब भी आपको अंकित करना है तो उसकी रेंज, रेंज माने मतलब परिसर, कितना परिसर, कितना दायरा चाहिए, जिस समुद्र में यहाँ भीड़ भरी है तो मुझे बैठना तो नहीं देखना पड़ेगा, मुझे कितनी जगह चाहिए बैठने, या मुझे गाड़ी पार्किंग करनी तो कितनी जगह मुझे गाड़ी पार्किंग करने के लिए चाहिए। तो उसी प्रकार से एक हमारे ध्यान में आना चाहिए कि परीक्षक एक्स पर जो मैक्सिमम वैल्यू आई है वो 7 आई है और वाई पर जो मैक्सिमम वैल्यू आई है वो आई है 3। अगर 7 से मतलब नहीं प्लस का माइनस का, मतलब हमें 7 लेके चलना, अगर मालूम है बात तो मैं इसको छोटे में बना सकता हूँ, क्यों बना सकता हूँ, एक्स की वैल्यू वाई की हमें कम चाहिए लेकिन एक्स की वैल्यू मुझे ज़्यादा चाहिए, तो इसको मैंने अपने रेंज में ले ली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 यहाँ आपको 3 चलेगा 1, 2, 3 क्योंकि 3 वैल्यू आई -1, -2,
माइनस। मैंने आपको क्या बताया कि आप रेंज इस बिंदु को कहते हैं जीरो कॉमा जीरो, इसे कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु वो बिंदु है जहां पर एक्स और वाई के दोनों मान क्या होते हैं जीरो। तो रेंज क्या समझे आपने कि जब भी आपको ग्रुप ग्राफ पे निरूपित करना है तो ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि एक्स की जो रेंज है वो क्या है तत्व के साथ। तो माय डियर स्टूडेंट, एक बात ध्यान रखें, प्लस में भी साथ लेके चले और माइनस में साथ लेके, लेकिन अगर आपकी ग्राफ की साइज उतनी नहीं है तो आप रेंज को कम कर सकते हैं। प्लस में साथ रहिए, माइनस में साथ लेके, तो अगर माइनस में जरूरत आ रही, ग्राफ आपका छोटा आ रहा, सब कुछ देखिए आपका ग्राफ है, आपका ग्राफ छोटा आ रहा, तो एक काम कर सकते हैं अपन लोग, अपन उसको ऐसा बना सकते हैं, कुछ अपन ऐसा भी कर सकते हैं। ग्राफ में ज्यादा नहीं गया, एक और दो, माइनस वन माइनस टू, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, आपके पास ग्राफ में भी वन टू थ्री, वन टू थ्री, इस तरह से आपका ग्राफ कर सकते हैं, क्योंकि आपकी एक्स तरफ वैल्यू आप ज़्यादा कर सकते हैं, बाई सर पर इस तरह से आप इसको मेंटेन भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया। अब आ जाते हैं टॉपिक पे। टॉपिक पे क्या करें, वन कॉमा थ्री, तो वन की वैल्यू ये है पहले एक्स का होगा, थ्री की वैल्यू ये, ये पहला बिंदु क्या है, आपने अंकित कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं, आप इसको मेंटेन कर लिया। सेकेंड मान लीजिए आप वन माइनस वन, एक सब मैं बताता था पहले वीडियो में, आप पढ़ी प्रोसीड एंड चेक क्वेश्चन मैथमेटिक्स में जिस सूत्र सबसे ज्यादा जरूरी होता है, जिस दिन आप जिस सूत्र भूले उस दिन आप बिल्कुल बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले भी जीरो हो जाए। प्रोसीड माने बढ़ना, देखिए क्या होता है, ये मैं आपको देखता हूँ, प्रोसीड बढ़े, फिर देखा बढ़ चले, ठीक है, हाँ ठीक है, प्रोसीड बढ़े और चेक, ठीक है पीछे देखा, ठीक है, प्रोसीड बढ़े फिर पीछे देखा चेक, अब मैं आगे बढ़ा और मैंने चेक किया, ठीक है भाई सात ही थी, मैंने पहले लिख दिया सात थी, तो मैंने वह चेक कर लिया, वन वन सेवन सेवन, ठीक, थ्री माइनस वन माइनस वन थ्री, ठीक है, थ्री माने प्लस माइनस, अगर सेवन लिखा तो प्लस माइनस में, प्लस माइनस ना, प्लस में भी सेवन लिया, अगर आपके पास जरूरत पड़ती है ग्राफ में सेवन नहीं आ रहा, मतलब टेन मैं तो सात दून चौदह कहाँ से लाऊं, अगर एक्स की वैल्यू में आप देख रहे हैं कि लाइन में जो है कॉलम जो दे रखे हैं, तो एक्स के जो कॉलम्स टाइप के हैं कटिंग जो है उसकी, तो वो आपकी रेंज जो आ रही है वो आपके पास केवल मात्र दस है, यहाँ पे आपकी बारह है, तो भाई बारह में छह से दे सकते, दस में सात दून चौदह तो दे नहीं पाएंगे, करें क्या, तो ऐसा आपने देखा कि एक्स की वैल्यू जा रही सेवन, तो हम देखेंगे कि एक्स की वैल्यू आपकी जा रही मैक्स, एक्स की वैल्यू सेवन जा रही है और माइनस में जा रही है बिल्कुल जीरो बन जाएगी। बाई की वैल्यू देखेंगे या बाई की वैल्यू आप देखेंगे तो माइनस वन जा रही और आपकी थ्री जा रही, माइनस वन जा रही एक्स की वैल्यू में, समझिए एक्स की वैल्यू बाई की वैल्यू है माइनस वन और प्लस थ्री जा रही, तो बाई की वैल्यू जी ऐसी वैल्यू जा रही, तो आप आराम से इसकी एक रेंज बनानी पड़ेगी, जब आपकी रेंज बन जाएगी तब आप उसको ग्राफ पर निरूपित कर सकते हैं। यह मैंने आपको एक आइडिया बता दिया, मैं ग्राफ का यूज करके बताऊंगा, कई तरीके से निरूपित करना, मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो ग्राफ से संबंध होती, चाहे 10 मिनट की चाहे 20 मिनट की, उसको जोड़ करके कहीं में ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट सेक्शन, वन थ्री का हमारा हो गया, ये हमारा वन थ्री का पॉइंट है, एक्स का वन वाई का थ्री, ए बी बिंदु इसको ए कहेंगे, बाद में निरूपित कर सकते हैं, बी ए का है ए वन एक्स का और वाई का माइनस, तो यहाँ पे यहाँ पे एक्स का वन वाई का माइनस, सेवन और माइनस ये यहाँ पे आ ये आपका सी होगा सेवन, ये दोनों प्लस का है, ये पहले चलो था फिर, अब आप देख रहे हैं इस कहीं में ये बिल्कुल ये देखा किस देंगे इस चार लोग को लाते हैं, आपकी बिंदु भी आ गए, अगर निर्देशांक भी आप चाहें लिख सकते हैं, ये आपका देखिए यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छः, यहाँ भी छः चला है, यहाँ पे देखो माइनस वन से दोनों की वैल्यू इसी, अगर आप देखेंगे दोनों वैल्यू एक एक आ रहे थे एम आई डेट, यहाँ माइनस माइनस एक आ रहा है, यहाँ सेवन सेवन आ रहे थे, यहाँ तीन थ्री आ रहे, इसका मतलब है जब कोई भी दो अंक की बिंदु बराबर आता है तो इसका मतलब वो निर्देशांक कुछ कैसा बनते वो एक आयत का रूप देते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे वन टू थ्री फोर, फोर कॉलम है, यहाँ भी फोर इकाई है, यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यहाँ सिक्स इकाई है सेम सिक्स वाई और यहाँ फोर इकाई है, जब आपका दोनों भुजाएं एक बिंदु पर लगी, दो भुजाएं एक बिंदु पर लगी, दोनों भुजाओं की वैल्यू अलग अलग हो आमने सामने बात है तो उसे कहते हैं आयत, या आमने सामने की भुजा बराबर हो तो उसे भी आयत, अगर एक बिंदु पर लगी दोनों भुजाएं कैसे बराबर होती है तो कहलाता है वर्ग, क्योंकि ये भी तीन है ये भी तीन है तो वर्ग, इस बिंदु पर जे भी तीन है जे भी तीन चार भुजा तीन तीन, और आय क्या कहलाएगा एक बिंदु पर एक भुजा छः आ गई और छः इकाई, इसको सेंटीमीटर मिलीमीटर नहीं कह सकते, इकाई या मात्रा के मात्र मात्र है
क्योंकि इकाई कहते हैं, इकाई की पहचान होती है मिली सेंटी डेसीमीटर से, इसको औसतन जब आप देखेंगे कुछ लोग इकाई कहते हैं, लेकिन मैं अपने हिसाब से मानता हूँ मात्रा, क्योंकि यह मात्र सीमित मात्र ही है, या सीमित इकाई के रूप में गणित है। तो ऊपर अब आता है प्रसंग, वो कह रहा है कि आपके अगर प्रतिच्छेद दोनों विकर्ण बीच में कर्ण, अगर देव भुजा खींचेगी यहाँ से आपकी भुजा यहाँ जाएगी, देव भुजा देखी ये हो जाएगी, देव दो बिंदु को तो यहाँ से आपके तीन बिंदु एक दो तीन, तो दोनों जो भी पास के बिंदु वहां तो रेखा खींची होगी, लेकिन उस बिंदु को छोड़कर के तीसरे बिंदु की ओर खींचे जाने वाली बीच में रेखा कर्ण कहलाती है, क्योंकि यहां पर प्रत्येक दिशा में 90 अंश के कोण बनते हैं, इसलिए इसे कर्ण भी कह सकते हैं। जिस प्रकार का त्रिभुज है आप इसको उठा लें ऐसे देख रहे हैं, आपको उत्तर समझ में आ जाएगा। ये आपका डी है, ये ए है और ये आपका सी है, यहाँ 90 अंश का कोण होगा, तो आपका क्या बन गया समझ में, त्रिभुज बन गया। तो इसी बीच में अब यहाँ पे आया दूसरा, यहाँ पे आया, अगर हमारा उत्तर नहीं होगा तो देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा और यहाँ पे ऐसा आएगा, तो उत्तर जो आपको आ रखा है शायद को और बनाएगा, क्योंकि चूंकि हमारा ग्राफ पे निरूपित नहीं हुआ यहाँ पे, ऐसे मैं देख रहा हूँ तो फोर पॉइंट पूछा, लेकिन मैंने चूंकि आंसर इसका देखा था कि क्या उत्तर आ रहा, क्योंकि जब ग्राफ पे निरूपित कर देंगे तो परफेक्ट आंसर आएगा। क्या कारण होता है कि हमारी जो दूरी काफी बेटी करेंगे एक सेंटी, काफी में अगर आप निर्मित करना चाहते हैं तो आप क्या करें लाइन खींचे तो एक एक सेंटीमीटर, मतलब एक एक सेंटीमीटर को एक ही कम कर, जानते एक एक सेंटीमीटर को एक ही कम कर, एक सेंटीमीटर प्रत्येक एक सेंटीमीटर को एक ही कम करें, तो ऐसे स्थिति में आप इसको कर सकते हैं। निर्देशांक उस समय वैसे देखेंगे, आकृति का नाम आ जाएगा, चित्र बनेगा, चित्र बनने के बाद देखा जाएगा आपको, अभी काफी भी आप बनाइएगा एक एक सेंटीमीटर मान बनाइएगा, आकृति आयत होगी और निर्देशांक इसका जो होगा विकर्ण का वो 4.1 होगा, जहाँ पर भुज पर 4, कोटि पर 1 या फिर एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 1। ओके, दिस वन इज टू बी कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, माय डियर स्टूडेंट्स, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप लोगों को प्रत्येक जब हमारे वीडियो नई बनती है तो तुरंत आपको नई वीडियो प्राप्त हो सके, इस बात का विशेष ध्यान रखें। दूसरा जो टॉपिक इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में बताना चाहता हूँ, प्रत्येक चीज़ को रिवाइज करना ना भूलें, रिपीट करना ना भूलें, बेहतर विकल्प होगा। मैं आपको दावा करता हूँ कि मैं बोर्ड के भी क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि आप लोगों को यूट्यूब चैनल को देख करके आप लोगों को पर्याप्त मात्रा में स्टडी पॉइंट मिल सके, घर बैठे कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस केवल 3000 रुपये का एक मोबाइल खरीदिए जिसमें यूट्यूब या व्हाट्सअप चल सके, आराम से बैठ कर स्टडी कीजिएगा। इस काल में अपने को सुरक्षित रखते हुए अपने परिवार को सुरक्षा घेरे में रखना सबसे पहला कदम हुआ। थैंक यू वेरी मच एंड नाउ मीट यू नेक्स्ट। थैंक यू।